सुलेखा से कहाँ से? तू तो पिल्ली है। पानी पी है? पानी पी है। नींबू पानी। कहाँ से आया है? आपके लिए टॉय लाया। मेरे लिए नहीं है, तो छोटे बेबी के हैं। छोटू बेबी की आ गई है, तो छोटी गुड़िया आ गई हमारे घर में एक और। ये पुराना पटरा रूस भी गई। हाँ रूस भी अलग सिकल देखती है, भी ऐसे मुंह नीचे करके यूं कर रही है। देखिए किस पागल हुई है। ये क्या करा है? कपड़े भी फेंक दिए। वाओ मैंने क्या करा? गिंडार बना लिया है। ये तो हम देखे ना, मतलब ये मेरा है। तेरी मम्मी का टॉप बन जाएगा। मम्मी तो है क्यों पतली? वो भी ऐसे लगता रहा है। मैंने की पता ना लग या नो है शायद, पता नहीं। कुछ कुछ ऐसे मुंह मिलती तो लग रही। घूमने जा रहे हो? सही है, सही है ना? घूमे हो या नए कपड़े आगे? हाँ सही है, और का थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। वही है ना, सही है थोड़ा सा अपना। चिनु ये किसकी कितनी शॉपिंग, इसकी किसकी कैसे हो गई इतनी शॉपिंग? किस बच्चे की है ये? तुम्हारी है? तुम्हारे बच्चे की? मेरे बच्चे। क्या कर रही है तू? चलनी गिर जाएगी। गेट खोल दे। का पी रही है? ये तो भाई मैंने लाई है। याई को तो नाराज हो ही जाता था। यू ले तो मत, चलती बनिया। अरे शिट, तू पैसा दिए है जो तू लेके जा रही है? अरे कर कपड़ी होगी गुस्से में। अभी मेरी अपनी माँ से क्या जरूरत है? मेरी माँ गई अभी तो। यू कह रही गाड़ी भी चाहिए। गाड़ी चाहिए? मैं बड़े पापा कह रही हूँ। यू कह रही दो छुट्टा वाली ऐसी तब है। देख तेरी दीदी, मैं थोड़ी लोकल वाली है ना। जो अच्छे में तो है ही, और है क्वालिटी है ना, जो प्रिंटेड से सही भी है। यू नवा देगी या आयु यू पानी भरा है ना, यहाँ से नवा देगी या बस पानी दिख जाओ। चल चाय बना ला जी, नो जगह किचन में जाके चाय बना ले। इतनी बड़ी लड़की थोड़े दिन बाद बनाने लगेगी। थोड़े दिन में यू रह करेगा लड़की। यू है की बनाएगी तो कुछ तो उनकी जिम्मेवारी, कार्यभार संभालेगी लड़की। बुआओं का यानी तो हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। जब क्रिस छोटा आया तो जब तू संभाल ले करी। हाँ। अभी तू छोटी है, बुआ संभाल ले। जब बुआ ने के क्रिस कह रही है जब तू संभाल ले करेगी ऐसी ना बड़ी हो जाएगी। तो फिर जब चाची और बोल दे कि नहीं इधर ले जा थोड़ी देर, हमारा ही संभाल ले करेगी। बड़ी हो जाएगी ना स्कूल कॉलेज लाइफ जब हम उन्हें संभाले करेंगे। चला था हम खाली है तो ये जाएगी रहेगी छोटी दादी की हेल्प करना, चाय वाय बनाने। सही कह रहे हो, और का ना और फिर जब हमारे पोते पोते जाएंगे इतने क्रिश के बच्चे बड़े हो लेंगे फिर उन्हें चेपे गए। सही कह रहे हो, चलता रहेगा इधर। सही फिर कभी हाँ होएगा। सही कह रहे,
ऐसे टाइम जाएगा पता नहीं चलेगा, जितने बोलेंगे अब ले तुम्हें ले जाओ, टाइम पता कोई चला आजकल ऐसी जा। लड़का का सीजन शुरू हो चुका है, हाँ जिनका लड़का हो रहा है। मैं लड़के सीजन चल रहा हूँ, एक तो वर्षा की बहन पूनम के होंगे, पूनम के होंगे, लड़का ही सुन रहे हैं दीपिका का सीजन शुरू हो चुका है। नहीं बस सही है, बस है ना, तुझे रुक जा दादी पास जा। चलो आगे गाड़ी, हाँ चलो ठीक है, चलो बाय करते दादी से, बाय करते, बाय मिथू। सो गाइज हम लोग चल दिए हैं नीम करोली नैनीताल, और आगे पूरा व्लॉग देखते रहना। नमस्ते, पीछे चले जाओ बेटा काना के पास, मम्मा बैठ जाएगी। तो इस बार जा रही है जया की फैमिली और मेरी फैमिली, मतलब हमारे दोनों के बच्चे और हम दोनों कपल्स। और ना अभी गुजरात गए थे तब ये नहीं गए थे बच्चे, तो इस बार काना को भी कंपनी हो गई, डीवा को तो है ही, क्योंकि डीवा और जया के साथ काफ़ी अच्छे से ना मिक्स हो गई थी जब ये गई थी, तो इसको अभी इसको अच्छे से जानती है, तो यहाँ पे सही था। और गाइज मैं ना घूमने में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं रहती, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल रहती हूँ, या फिर मैं सिर्फ जाती हूँ घूमने तो जया के साथ ही जाती हूँ, मतलब जया और भैया के साथ, क्योंकि हमारा ना ऐसा है, हम कई बार गए ना घूमने तो मेरे को एक रहता है ना कि ट्रैवल हम कर रहे हैं, हमारा जैसे साथ होता है तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील करना होता है अगर हम बाहर जा रहे हैं घर से निकल के, तो वैसा भी होना चाहिए, तो वो मेरा सिर्फ जया के साथ रहता है, बाकी मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाती हूँ, है ना। और डीवा तो अच्छे से हो ही गई थी। और गाइज हम ना 3 साल पहले गए थे करोली बाबा के दर्शन करने, गए तो थे हम अपनी एनिवर्सरी पे घूमने नैनीताल वगैरह जिम कॉर्बेट, फिर हमारा प्रोग्राम वहाँ का बना था, और तब हम जानते भी नहीं थे, तब भैया ने ही बताया था, तब हम लोग गए थे। और ना इस बार गए हैं सभी, और पिछली बार भी सभी गए थे, बस उस टाइम पे डीवा नहीं थी, डीवा हुई नहीं थी, तो इस बार हम डीवा को भी ले गए, डीवा की ये फर्स्ट ट्रिप थी नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हम रुक गए थे, पहुँचे थे ना तो रास्ते में रुके, और यहाँ पे हमने सबने पराठे खाए अपनी पसंद के, और चटनी के साथ ने यमी लगे ना, तो यहीं से हम रिचार्ज होना स्टार्ट करा। और गाइज मुझे ना तब मैं जब यहाँ से निकली ना तभी मुझे मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे, दीदी अपना व्लॉग बनाओ, अपना व्लॉग स्टार्ट करो, व्लॉग नहीं आया है, और जब आपको एक दो दिन व्लॉग नहीं मिले ना तब ये, तो मैंने ना गाइज बिल्कुल ना करते करते भी बहुत थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करी है। तो हम पहुंच गए थे नैनीताल के आसपास, और सच्ची बताऊं घर से हम सिर्फ नीम करोली बाबा के दर्शन करने ही गए, और वहीं से जाके वहीं वापस आए ना हम नैनीताल रुके, ना हमने कोई फ़ोटो विक्चर क्लिक कराई और ना ही आते टाइम कराई, मतलब मेरा मन ही नहीं था कि मैं कहीं घूमने जाऊं, मेरा मन था कि सिर्फ मैं दर्शन करने जाऊं, और दर्शन के पर्पज़ से ही गई थी, मन में यही लेके कि दर्शन करने ही जाना, ऐसा नहीं था कि नीम करोली भी जाएंगे और फिर नैनीताल भी जाएंगे और हम घूमते फिरते आएंगे, मतलब उस टाइप का हमारा प्लान नहीं था, हमारा था सिर्फ मंदिर जाना था, तो मंदिर गए। और रास्ते में गए, जितना सुंदर ऑसम व्यू था ना, सब लोग फ़ोटो पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, बट हम लोगों को था कि हम पहुंच जाएं पहले दर्शन कर लें, और वहाँ पे भी पहाड़ी है तो उधर कहीं देख लेंगे, यहाँ पे अगर पिक्चर वगैरह क्लिक करते सब उतरते बच्चों के साथ लेते ना तो काफ़ी लेट हो जाते, तो इसलिए हम सीधे सीधे निकल गए आगे। बट रास्ते में जो हमने ना व्यू इन्जॉय करा बहुत ही मस्त था, इस टाइम पर बहुत अच्छा लग रहा था, बारिश तो कहीं नहीं मिली ना ही मतलब जैसे रहता है कि भाई बहुत भीड़ थी कुछ थी, और कब हमारा सफ़र कटा पता ही नहीं चला, और हम लोग पहुँच गए कैंची धाम। और यहाँ से ऊपर से जब हमने पहली झलक देखी तो मैंने सोचा चलिए अपने गाइज और कुछ आपके साथ शेयर करूँ ना करूँ, बट मेरा मन था कि जो भी कोई जाना चाहता है और नहीं जा पा रहा है ना तो आप सबको भी एक दर्शन करा दूँ, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ दर्शन करना ज़रूर। यहाँ से दूर से ही ना छत, मतलब आगे छत कह रही हूँ सॉरी, बहुत ऊपर से ही ना बाबा के दर्शन हो जाते हैं, यहीं दूर से सड़क से ही ना एकदम मंदिर की एंट्री दिखती है और वहीं से दर्शन होते हैं, तो भीड़ काफ़ी थी इस टाइम, तो हमने सबसे पहले यहीं से 1 किलोमीटर दूर लिया एक होटल और वहाँ पहुँच गए।
तो जैसे D1 हाई नहीं थी तो मेरा मन था कि इसको थोड़ा फ्रेशन अप करके फिर हम जाते हैं 10-15 मिनट का ब्रेक लेके, क्योंकि अभी काफ़ी भीड़ हो रखी थी वहाँ पे। फिर हम लोग पहुँच गए वापस, मतलब अपना होटल का रूम लिया और 1.5 किलोमीटर दूर ही था गाइज, बहुत पास में था और बहुत ही अच्छा होटल था। मतलब होटल भी आपको बताऊँ ना, इतना इस प्राइस में मिल गया था, हमें लगा नहीं था, क्योंकि अभी जैसे वीकेंड पे हम गए थे तो बहुत ही बढ़िया लगा। बट एक चीज़ थी, अभी ये नया बन रहा था, चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत थी, यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई थी और ना मुझे ये लग रहा था यार मुझे कहीं दिक्कत ना हो जाए चढ़ने में, और चढ़ाई करके ही हम वैष्णो देवी नहीं गए थे, बट यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई थी इस रिज़ॉर्ट में। बट रिज़ॉर्ट काफ़ी अच्छा था, मतलब इसका व्यू इतना सुंदर था, सामने एकदम पहाड़ था, मेन रोड था, जाने आने की कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। खाने पीने का टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया था, रेस्टोरेंट भी अच्छा था, मतलब सारा ओवरऑल मतलब हमारी ट्रिप इतनी अच्छी रही ना, एकदम रिचार्ज होने गए थे और सच में हम काफ़ी ज़्यादा रिचार्ज होके आए, काफ़ी अच्छा लगा हमें। डीवा क्या मटर कर रही है, चलें और बाहर का वेदर दिखाती हूँ। शाम हो चुकी है, हम जा रहे हैं मंदिर और बाहर बहुत ही अच्छा ठंडा है, और देखिए ऐसा है रात का व्यू यहाँ का, बहुत प्यारी कॉटेज है। जाना मजा आ रहा, अच्छा लग रहा आपको? एक पूल होता तो और ज्यादा मजा आता। जहाँ तुम छुट्टी बनाने नहीं आए हो, तुम मंदिर आए हो दर्शन के लिए, एक थोड़ी सी देर तक पूल में रह सकते हो? कोई बात नहीं, अभी नया बनाया, बना लेंगे वो। सो गाइस कैची धाम से 1 ही किलोमीटर दूर पे है ये, और बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, रूम भी बहुत अच्छा है, पसंद आया। इसको कोई चीज़ इजीली पसंद आ जाए बहुत मुश्किल है भाई, बहुत नखरेला लड़का है, तो इसको पसंद आ गया तो समझो अच्छा ही है। और ना वापस निकलने निकलने में ही हमें 1.25 घंटा हो गया, और पहाड़ों पे इतनी जल्दी अंधेरा हुआ पता ही नहीं चला। फिर हम पहुंच गए धाम पे, और जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो देखा कि वहाँ बंद हो चुका था, हम मतलब दर्शन नहीं मिले हमें रात को, रात को बंद हो चुका था। हम जब पहुंचे तो हमारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर हमने सबने काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, वेट करते रहे, और इतनी देर में मैं अपने सब्सक्राइबर से मिलती रही, बहुत सारे मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर मुझे मिलते रहे, है ना, कुछ ने फ़ोटो लगे खींची, किसी ने मुझे मैसेज में बताया कि हमने आपको देखा ये देखा, बट हाँ हमें बाबा के दर्शन नहीं मिले आज। बस हम ऐसे ही वापस लौट आए और बाहर से दर्शन कर लिए थे, बट मंदिर बंद था तो कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब पहुँचे फिर ना ही दर्शन मिले ना कुछ, तो मन थोड़ा उदास हुआ कि नहीं, मतलब मेरा मन था कि आज मैं जा रही हूँ ना, मैं आज ही दर्शन करूँ। और हम लोगों ने सब कुछ फटाफट करा ना, हमने होटल में जाके कुछ रेस्ट करा ना, कुछ खाया ना पिया, फटाफट से चल दिए थे वापस, और जो बच्चे सुबह से भूखे थे फिर यहाँ पे सबने अच्छे से भरपेट खाना खाया और बहुत टेस्टी था। दर्शन नहीं मिले आज, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत कुछ करा, पर दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि मंदिर बंद हो गया था। तो हम लोग आ गए वापस, अब कल जाएंगे, फिर यहाँ पे आए, खाया पिया, अपना इंजॉय करा। और डीवा की चल रही है हम मस्ती, मैडम एक मिनट रुकने का नाम नहीं ले रही है, शरारतें कर रही है, और देखो इसकी शक्ल क्या कर रहा है चीनू, मजा आ रहा है। और यहाँ देखो कान्हा और पापा पड़े हुए हैं दोनों बैठे। हाय इंस्टा फैमिली, टीवी मत खेल लो ना पर। तो गाइस चलिए आज वाले ब्लॉग को तो मैं यहीं पे करती हूँ एंड, जो भी था छोटा मोटा जैसा भी ब्लॉग, वैसे मैंने सोचा था कि मैं 2 दिन जा रही हूँ कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, बस रिलैक्स करूँगी, अपना एंजॉय करूँगी, पर आदत से मजबूर हूँ, थोड़ा बहुत शूट कर लिया, या तो पूरा जब तक हमारी ट्रिप होगी धाम वाम का दर्शन होगा पूरा एक ही ब्लॉग बना दूंगी, या अगर हो गया तो एक इसको डाल दूंगी एक कल, तो जब भी जितना भी लग रहा है ना मैं शूट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं छुट्टी पे आई तो छुट्टी ही लूँ, ब्लॉगिंग ना करूँ, एक आध दिन थोड़ा दिन रिलैक्स करूँ, माइंड थोड़ा अपना रिलैक्स करूँ और थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ठीक करें, बाकी तो जैसी बाबा की मर्जी। और चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सपोर्ट करना ना भूलें गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो गाइस चलिए आपको दिखाती हूँ पहाड़ों वाली सुबह, रात तो मैंने दिखाई थी, तो सुबह उठ गई थी मैं 5 बजे और उठ के एक बार मैंने गेट वगैरह खोला और फ्रेश एयर ली। अब मैं जाऊँगी नहाने और फिर सबको उठा के तैयार व्यार करेंगे और फिर हम चलेंगे आज दर्शन करने, आपको भी कराते हैं। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ मंदिर के, मीन करोली बाबा के, और जितने भी हो पाएंगे, क्योंकि कल तो रात हम गए थे हुए नहीं थे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, अभी मैं नहा धो ली हूँ और देखिए हमारे रूम के सामने बिल्कुल सामने है पहाड़, अभी मैं नहाई थी, सर धोए थे तो मैंने अपना टावल सुखा दिया, और ये हमारा रूम है, यहाँ है जया का रूम, दिखाती हूँ। मॉर्निंग, नहा ली, तैयार हो,
आपको जो इतना बैकग्राउंड में नॉइज़ सुन रहा था ना, ये यहाँ पे एक पानी, मतलब जो बाबा के आश्रम से नदी आ रही है ना, वही यहाँ से बह के जा रही थी। आपको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, पीछे जो पानी जा रहा ना मंदिर में से, जो नदी बह रही है उसी की आवाज़ है। बहुत ही अच्छा एकदम ऐसा लग रहा है बस यहाँ बैठ के सुनते रहो नेचर, और पहाड़ों के बीच में एकदम अच्छी प्यारी प्यारी सी हट हैं जहाँ हमारे बच्चे सोए पड़े हैं। रेडी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वो है रेडी, मैं भी हो गई हूँ, कान्हा यहाँ पे बैठा बैठा सो रहा है, ये हो गई जिन्हों रेडी, और उसके पापा भी। तो अब चल रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए फाइनल। चले भाई जिन्हों। तो गाइज हम 6:15-6:30 के करीब निकल लिए थे सारे बच्चों को नहला धुला के, और ना कल तो डीवा को बिना नहलाए लाई थी, वापस आके नहलाए थे यहाँ पे, पर अब इसको नहला के लेके जा रही हूँ ताकि दर्शन हो सके अच्छे से। यहाँ रोड है इतनी ऊपर चढ़ाई करके, और इधर होटल है, बाकी तो सब बढ़िया है, बस इसके चढ़ने के रास्ते की थोड़ी सी दिक्कत है। किसकी आवाज आई है बताओ? तो हम 6:30-7 बज रहे होंगे गाइज, मतलब एक्चुअली निकलते टाइम हमने टाइम नहीं देखा, बट हाँ 7 से तो हम पहले ही हमने होटल छोड़ा था, और होटल से 1-2 किलोमीटर दूर था, तो ना वो लोग वापस दर्शन करके भी आते थे। और आपको देखिए सुबह नीचे कितनी भीड़ हो रखी थी, उस टाइम पे हमारा तो यूँ ही हो रखा था कि भाई अब दर्शन पता नहीं कितनी देर में होंगे। और सच्ची बताऊँ वहाँ पे बिल्कुल भी, चाहे कितनी भी भीड़ हो, चलते दर्शन रहते हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलती ऐसी कि आप वहाँ पे जाम रहेगा या फिर भीड़ में जम जाएंगे। बस हाँ इनको गाड़ी पार्क करने में टाइम लगा, इतने लाइन लगी हुई थी तो उसमें हम लगे और फटाफट गए। और गाइज लकीली ऐसा हुआ हम पहुंचे हैं और तभी आरती स्टार्ट हुई, हमने पूरी आरती अटेंड करी, वहां बैठे, प्रसाद मिला, और फिर दर्शन कर करा के हम लोग वापस आ गए होटल अपने। जिन्होंने दवाई पी ली अच्छी थी, अच्छी थी पिंक वाली। तो यहाँ इस टाइम तो जब हम वापस निकले ना गए, जितनी सुबह भीड़ थी उससे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो फिर हम यहाँ पे कहीं नहीं रुके, सिर्फ प्रसाद लिया और निकल लिया वापस होटल की तरफ। होटल गए और वहाँ पे जाके हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा अपना, और जब सब ने जाके थोड़ी थोड़ी देर नींद ली, डीवा सो ही नहीं थी क्योंकि डीवा सोने वाली भी नहीं थी, तो सिर्फ मुझे छोड़ के बाकी तो सब ने अपनी नींद पूरी कर ली थी थोड़ी देर के लिए। तो हम अब चल दिए हैं वापस घर की ओर, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम्स भी हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए हम आए नहीं थे, हमें सिर्फ दर्शन करना था। तो मतलब जैसे मैंने बताया उसी के पर्पज़ से हम आए थे, और वापस जाते टाइम देखिए कितनी अच्छी भीड़ थी। और गाइज आज भी वेदर था थोड़ा सा बारिश वाला, बट हुई नहीं थी बारिश, कहीं नहीं मिली। हाँ मौसम था तो अच्छा लग रहा था, पहाड़ों पे कहीं कहीं बादल आ रहे थे, कभी कभी धूप आ रही थी। और चलते चलते देखिए ये रहे बाबा के दर्शन करा दूँ, और जैसे ही मैंने सोचा ना आपको दर्शन कराऊँ वैसे ही बीच में बस अड़ गई। तो गाइस इसके दर्शन के लिए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा है ना, क्योंकि फ़ोन से इतनी दूर से आपको दर्शन शायद ना ही हो पाए। और यहाँ की वाइब्स ना एकदम अलग हैं गाइस, मैं ना बिना चाय के कभी रह नहीं सकती, और होटल से भी ना बिना चाय पी आ गई थी। और यहाँ पे हमें टाइम लग गया था, मतलब आरती हो रही थी ना उस टाइम, खड़े रहे, दर्शन हुए, वापस होटल गए, और नाश्ता करने में टाइम लगे, तो सच्ची में बिल्कुल फील नहीं हुआ। रात के टाइम में हमने काफ़ी देर मंदिर के बाहर बैठे रहे तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ, और आपको ना एक बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक सा पॉजिटिविटी फील होती है। और जो लोग जाते हैं जिन्होंने फील करा है उन्हें तो पता है ही, बट जो लोग जाना चाहते हैं तो मैं तो बोलूँगी कि ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि मैं पहले भी गई थी तो मुझे पहले भी काफ़ी अच्छा फील हुआ था, और इस बार भी बहुत अच्छा फील हुआ है यहाँ जाकर। तो हम लोग पहुँच गए थे बाय चांस गलती से भीमताल, और भीमताल से होते हुए फिर हम पहुँचे हल्द्वानी, हल्द्वानी से होते हुए आए दिल्ली जहाँ हमें आना था। हमारा 2-3 घंटे का ट्रैवल बढ़ गया था, बट कोई नहीं, आज का दिन तो वैसे भी ट्रैवलिंग में ही था। तो फिर हम सब ने खूब घूमते फिरते खाते फिरते इंजॉय करते हुए अपने घर जा रहे हैं, और गाइस दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो मेरे लिए एक छोटी सी ट्रिप ना बहुत अच्छे से बोलते हैं ना एनर्जी बूस्ट का काम करा, मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील हुई वहाँ जाके, अच्छा लगा है ना, और रिफ़्रेश तो मैं हुई हुई हूँ। तो अब आपके साथ अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी फिर से। और गाइज थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा अच्छा सपोर्ट करा है अभी तक, इतना प्यार दिखाया है, और ऐसे ही आगे दिखाते रहना। तो चलिए अभी दिखा देती हूँ आपको थोड़ा बहुत व्यू जो हमें दिखाया। और गाइज ये सब ना गाड़ी में बैठे बैठे ही मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर करा है ना, यहाँ पर इतना सुंदर वेदर हो रहा था, फिर साफ चमचम आ रही है, और मेरी देखो क्या कर रही है जी। तो गाइस जिनू सो गई और हम पहुंच गए हैं घर, और अभी हो रहे हैं रात के 12:30, हमें 1 घंटा हो गया है, 11:30 आ गए थे।
कपड़े वपड़े चेंज करे हैं, बस अब सो रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह काना को स्कूल भेजना है और दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। यहीं तक था मेरा वहाँ का ट्रिप का व्लॉग। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें करी, बट सब चीज़ मैंने कैप्चर नहीं करी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, जैसे कि मैंने कहा था कि जब तक मेरे चैनल पर स्ट्राइक रहेगी तो मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, बट ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बनाया ताकि आप सबकी हेल्प हो सके, आप सबको भी एक आइडिया मिल सके, जो लोग नहीं गए हैं या जो जाना चाहते हैं या फिर जो जाएंगे। गाइस इस टाइम में मेरी आँख एकदम नींद से झुकझुप आ रही है, तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग का एंड कर देती हूँ। मिलूँगी आपसे कल और बहुत सारी बातें करूँगी आगे, इसमें नया व्लॉग करती हूँ कर दूँगी। तो चलिए गाइस फिलहाल के लिए गुड नाइट, बाय बाय।